Hello students, welcome back to the next lecture of rational and irrational number. Last lecture में हमने second exercise complete किया था, हमने वहाँ पर comparison of rational numbers को देखा. आज इस exercise में हम decimal representation of rational numbers को देखने वाले हैं. तो decimal representation of rational number में हम क्या देखेंगे, ये देखते हैं कि decimal representation of rational numbers में क्या होगा. ये देखो, of rational numbers. So basically decimal representation of rational numbers में क्या होगा, अगर आपके पास basically मैं बताता हूँ कि आपके पास दो numbers होते हैं जब आप decimal को represent करते हैं. decimal represent एक होता है terminating और एक होता है non-terminating. दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स में ही आते हैं, पर सबसे पहले दोनों को पढ़ेंगे. टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट वर्ड ही कहां से आता है, एंड से खत्म हो जाना. क्या खत्म हो जाना, जब आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर अगर आपको रिमाइंडर उसका जीरो मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग. जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 21/7, इसको आपने डिवाइड कर दिया, 7 3 21 हो गया, कितना आ गया, जीरो. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी टर्मिनेटिंग बता रहा हूँ. तो जिसका रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया वो किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में आ जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस होते हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग. ये दो केस होते हैं हमारे पास. रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं होना. अगर मैं रिकरिंग के एग्जांपल में ले जाऊं, तो अगर सपोज करो आपने कोई नंबर को किसी से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपको नंबर मिल रहा है 1.666666, ऐसे ही मिलते यार तो किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा. और ये एंड होगा क्या, नहीं एंड नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. ये वाले में इसका एग्जाम्पल अपन पाई वाला नंबर लेते थे, 22/7. अगर आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, 7 3 कितना हो, 21, 1 बच गया, डेसिमल लगेगा, 0 आएगा. 7 1 क्या होगा, 7 3 हो गया, डेसिमल है ऑलरेडी तो 0 आएगा. 7 4 कितना होगा, 28, ये 2 आएगा, ये 0 होगा. 7 2 क्या होगा, 14. ये करते जाओगे ये एंड कभी होगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. पर इसमें कोई नंबर ऐसे रिपीट नहीं होगा, 1 4 2 या 2 2 2 या 3 3 3, 4 4 4, ऐसे रिपीट नहीं होने वाला है. तो ये नंबर एंड भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. तो ये भी किस में आएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आएगा. समझ गए. तो जहां पर ये बात हो गई, जहां पर ऐसे आपको रिकरिंग दिखाई देंगे, ये बहुत बार सिक्स आते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, 1.6 बार या 1.6 ऐसे डॉट लिखते हैं. मैं ये प्रीफर करता हूँ लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है. और नॉन रिकरिंग के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो जैसे आएगा वो चलता रहेगा, वो आगे डॉट डॉट लगा के क्या करना है, रखना है. तो ओवरऑल समराइज करेंगे तो चैप्टर के इंट्रो में बेसिकली आपको देखना क्या था, आप रैशनल नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो. डिवाइड करने में आपको दो आंसर्स मिलेंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब ये है अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर उसको आपका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा. तो उसके दो टाइप होंगे, या तो वो रिकरिंग में जाएगा या तो किस में जाएगा, नॉन रिकरिंग में जाएगा. रिकरिंग का मतलब ये है कि वो नंबर कंटिन्यू होते जाएगा और वो आगे चलता ही चला जाएगा और सेम नंबर आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं. नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो जीरो नहीं आएगा, पर वो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो भी आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे. समझ में आया, वो वैसे ही चलते चले जाएंगे. तो होपफुली पहला इंट्रोडक्शन तो आपको हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है 9/37. कितना है, 9/37 है. और क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आप उसको यूजुअली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लो, ठीक है. तो इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेते हैं. तो ये जो आपका 37 है वो बाहर हो जाएगा, ये 9 अंदर आ जाएगा, मालूम है ना, डिनोमिनेटर बाहर और न्यूमरेटर क्या होगा, अंदर होगा. 37 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं, तो सबसे लीस्ट नंबर क्या लेंगे अगर डिवाइड, याद है तो 37 0 0, तो यहाँ पर 9 आ गया.
अब यहाँ डेसिमल ले लो, इसको क्या कर दो 90 कर दो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 37 इंटू 1 करोगे तो 37 होता है, 37 इंटू 2 करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 हो जाएगा, 3 टू जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 74 हो जाएगा। 37 थ्री जा देख लो, 37 थ्री जा अगर देखोगे तो 7 थ्री जा 21, 1 डाउन 2 कैरी, 3 थ्री जा 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर आप 2 से देखोगे तो 74 है, 3 से देखोगे तो 111 है, तो आप कौन सा ले लो 2 से ले लो, तो ये कितना आ गया 74 आ गया। अब इसको माइनस कर दो, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। 16 होने के बाद अगर आपने डेसिमल ऑलरेडी लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा 160 हो जाएगा। ये 160 हो गया तो अब इसके आगे ढूंढ लो, 37 4 सा देख लो, 4 देखोगे तो 4 7 का 28 होगा, 4 3 सा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14, 148 हो रहा। 37 5 सा भी देख लो, बड़ा ही होगा फिर भी देख लो, 5 7 सा 35, 5 डाउन 3 के लिए होगा, 5 3 सा 15 प्लस 3 कितना होगा 18, कितना आ रहा है 185 आ रहा है। तो आप कितने सा लेंगे, 37 4 सा ले लो, 37 4 सा ले लेंगे तो कितना आएगा 148 आ जाएगा। तो 160 में से 148 को अगर जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, देखो ये 5 हो जाएगा, ये 10, 2 बच गया, ये 12 हो गया और ये 0 आ गया। अब यहाँ पर ये 12 हो गया, डेसिमल है तो 0 ले लो, तो 120 हो गया। 120 ये नज़दीक वाला नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे नज़दीक वाला 111 दिख रहा है, तो 3 जा ले लो तो कितने का हो जाएगा 111 हो जाएगा। 120 में से 111 डायरेक्टली माइनस करो, काफ़ी आसान है, 9 बच जाएगा। अब ये 9 आने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ भी 9 आता है, डेसिमल लगा हुआ तो ये 90 हो जाएगा। अब ये 90 होने के बाद फिर से 90 हो गया तो मुझे 2 सा लेना पड़ेगा, 37 2 सा ही लूंगा ना, फिर 37 2 सा लूंगा तो 74 होगा, फिर 16 बचेगा, फिर डेसिमल है, फिर ये 0 है यहाँ पर, मतलब ये साइकिल रिपीट होगी। तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.243 बार, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर 243 आएगा, 243 आएगा। अगर आपको इसमें तसल्ली नहीं हो रही है अभी भी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे इस बात को, तो आप इसको सॉल्व करो आगे, 37 ये 90 है, फिर इसके नज़दीक का नंबर देखो कौन सा है और इस हिसाब से सॉल्व करो। तो ये आपका पहला सवाल हो गया जो आपको सॉल्व करना था। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के पास, तो ये बताओ कौन सा, अच्छा इसका टाइप बताओ क्या, क्या टर्मिनेट हो रहा है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या रिकरिंग है, हाँ रिकरिंग है, तो ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। यहां तक होने के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 18 अपॉन 42, सेम वैसे ही करना है। डिनोमिनेटर कहां जाएगा बताओ, डिनोमिनेटर आपका चला जाएगा बाहर, तो डिनोमिनेटर को बाहर कर दो 42 को, यहां क्या कर दो 18 कर दो, ठीक है। टेबल्स देख लो, 42 वन जा 42 होता है, 42 टू जा करोगे तो डबल कर दो, 2 का डबल 4, ये 84 हो जाएगा। हाँ 3 तक भी ले लेता हूँ, 42 3 जा कर लेते हैं, 3 टू जा कितना होगा 6 होगा, 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, 42 4 से करते हैं, 4 टू जा कितना होगा 8 और 4 4 जा कितना होगा 16, 42 5 से करते हैं, 5 4 जा कितना, 5 2 जा कितना होगा 10, 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना होगा 21, तो ये 210 हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा तो अब करेंगे कैसे, इसको करेंगे हम इसको ऐसे कि 42 है और 18 है, तो इसको ऐसे ले लेंगे, 42 के टेबल में 18 तो आता नहीं, तो 0 सा ले लो, तो यहाँ पर अगर 0 सा ले लिए तो 0 0 18 आ गया। अब डेसिमल लगाए तो क्या होगा 180 हो गया। अब इसमें 180 के नजदीक वाला नंबर कौन सा है, ये, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज के लिए डिवाइड आना चाहिए, याद रखो। तो आप कौन सा लेंगे 168 वाला, तो 42 4 जा ले लो, वो कितना है 168 है, ये 7 हो जाएगा, ये 10 है, 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, ये 1 बच जाएगा, अब ये 120 हो जाएगा, बराबर है 120 के नजदीक, 126 तो बड़ा होगा तो 2 जा लेना पड़ेगा, है ना, तो 2 जा कितना होता है 84 होता है, तो 84 ले लो यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, 10 में से 4 किया तो कितना बचेगा 6, ये 0 होगा, 11 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 3, 36 हो जाएगा, बराबर। अब ये 36 है, डेसिमल ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा बताओ 360 हो जाएगा, फेयर इनफ। अब ये 360 के लिए आगे हमको ढूंढना पड़ेगा, तो 42 6 का देख लो, 6 2 12 होगा, 6 4 24 प्लस 5 कितना होगा 25,
42 7 सा देख लो, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 1 294 हो रहा है, 42 8 जा देख लो, 8 2 जा 16 होगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 कितना होगा 33, 336 हो रहा है, ठीक है। 42 9 जा देख लो, 4 9 जा 9 2 जा 18 हो गया, 378 हो रहा है, तो 378 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर 378 बड़ा हो जाएगा तो हम 8 जा ले लेंगे, तो 8 जा कितना हो रहा है, 336 हो रहा है। तो 336 को माइनस करोगे तो ये 6 का क्या हो जाएगा, 5, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये क्या होगा, 0। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 252 बड़ा हो रहा है तो कौन सा लेंगे, 210 लेंगे, तो 5 सा ले लो यहाँ पर। तो अगर तुमने 5 सा ले लिया तो कितना आ गया, 210 आ गया, माइनस करोगे तो 30 बच जाएगा। अब यहाँ पर 30 आया, अब यहाँ पर क्या है, 300 हो रहा है, बराबर। अब इसको आप आगे करते जाएंगे तो ये आगे होते जाएगा, 300 है तो उसके लिए 7 सा ले लो, 7 सा ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 294, और 300 में 294 माइनस करोगे क्या, इसको 60 कर देते हैं। अब इसको अगर 60 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको 60 कर दिया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अगर आपने इसको 60 कर दिया है तो 1 जा ले लो आप, क्योंकि 84 बड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं तो हम 60 पर पहुँचे हैं, और ये क्या है, 42 है, हम पहुँचे 0.42857। अब हम 1 जा लेने वाले हैं तो 1 जा ले लेंगे, 42 ले लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हमने 42 ले लिया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18। क्या आपको ये वाला और ये वाला पार्ट दिख रहा है मैथ्स होते हुए, यानी कि अगर यहाँ 18 है, यहाँ पर भी क्या है, 18 आ रहा है। तो अब 18 क्या, जो भी नंबर लोगे, जैसे ही आपको डिवीजन में से कोई भी नंबर सेम यहाँ मिल गया वहां रुक जाना है, तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लगा लो और यहाँ क्या लगा लो, बार लगा लो, तो 0.428571। इसके बाद फिर से क्या आएगा, 428571, फिर क्या आएगा, 428571। ऐसे करते करते क्या होगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ओके, अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा डिवीजन में पेशेंस रखो, आएगा आपको पहले, इस एक्सरसाइज से पहले डिवीजन आना चाहिए। जब तक आप डिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है, फेयर इनफ। ओके, यहां तक होने के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 9/14, कितना है, 9/14 है। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए आपको क्या करना है, वही जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 14 लिख लेंगे, और यहां क्या लिख लेंगे, हम लोग 9 लिख लेंगे। हाँ, अब इसके बाद ये जीरो सा हो जाएगा, तो अगर ये जीरो सा हो गया तो यहाँ पर पहले तो जीरो हो गया, 9 आ गया। अब ये डेसिमल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 14 का टेबल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 14 वन जा क्या होगा, 14 हो जाएगा, 14 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ मैं, अगर आपको याद है टेबल तो बहुत अच्छा है। आपको फिर 14 3 जा करना है, 4 3 जा 12 हो गया, 3 वन जा 3, और ये कितना हो गया, 4 42 हो गया। 14 को फिर 4 से करना है, 16 हो गया, और ये 556 हो जाएगा। 14 5 सा देख लो, 14 5 सा 5 4 सा 20 हो जाएगा, तो ये 20 आ गया, तो ये 0 आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 1 सा 5, और ये कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। अब इसके बाद आप 14 6 सा कर लो, 6 सा करेंगे तो 6 4 सा 24 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 84। 14 7 सा देख लो, 4 7 सा 28 हो जाएगा, 8 down 2 carry, 7 minus 7 plus 2 कितना हो जाएगा, 9, 98। तो यहाँ इसको एक बार टेबल को लिख लो, अब यहाँ पर 98 आ रहा है, 98 से पहले लेना पड़ेगा, तो 6 जा लेंगे तो कितना होगा, 84। डायरेक्टली बताओ, 90 में से 84 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। डेसिमल है तो ऑलरेडी क्या होगा, 60। 60 के नज़दीक वाला नंबर कौन सा, ये है 14 4 जा, तो 14 4 जा ले लो, कितना है वो, 56 है। 56 को जब इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये डेसिमल है यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर, तो कितना होगा, 40। 40 के लिए 42 नहीं ले सकते तो 2 सा लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को अगर माइनस करोगे यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा, ये 10, ये 2 बचेगा यहाँ पर 1, 12 हो गया, तो कितना हो गया, 120।
120 के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, 14 8 जा देखना पड़ेगा, 8 4 जा 32, 2 down 3 कैरी होगा, 8 1 जा 8 होगा, प्लस 3 कितना होगा 11, तो ये कितना आ रहा है 112 आ रहा है, तो इनटू यहाँ पर ये 8 जा कर दो, ये 8 जा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, फेयर इनफ। तो 120 में से 112 को माइनस कर दो, तो 120 में से 112 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो 120 में 112 माइनस हो गया तो ये आपके पास कितना आ गया 80 आ गया। अब ये 80 आया तो देखो 5 सा चेक कर लो, फिर से 5 सा चेक कर लिए, क्योंकि 80 के नज़दीक में 84 तो नहीं होगा, मतलब आप जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करते रहो, ठीक है, बस पेशेंस रखना थोड़ा। ये 5 सा चेक कर लो तो कितना हो गया 70 हो गया, माइनस करोगे 80 में 70 तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, डेसिमल ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो उसके लिए कौन जाएगा 7 सा आ जाएगा, जब 7 सा कर दोगे तो ये कितना होगा 98 होगा, 92 हो गया कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये 20 आने के बाद 14 1 सा कितना होगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 20 के नज़दीक का नंबर खुद 14 है, तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और आपको 6 यहाँ पर ये 60 आ गया, और ये 60 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बराबर आ गए, नंबर रिपीट हो गया, वहाँ पर रुक जाना है, तो यहाँ पर रुक जाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आप क्या लिखोगे 0.6428571। फेयर इनफ, समझ में आया आपको ये सवाल, होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, सामने टेबल को रखो और फिर सॉल्व करो तो काफ़ी आसान है। माइनस का कंसिडरेशन अभी मत करो, बाद में कर लेना, एंड में लिख देना उसको। 5 के टेबल में 103 के नज़दीक का नंबर, 5 10 से 50 होता है तो 520 का कितना होगा 100 होगा, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 520 का कितना होगा 100 हो गया। 3 बज गया यहाँ पर, ये 0 ये 0, डेसिमल लगा दिए कितना हो गया 30, 56 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका सब कंप्लीट हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर भी आ गया, टर्मिनेट हो गया, हैप्पी। तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस लिख दो ये, और 20.6 बार नहीं लिखना है यहाँ पर क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है वो देखो, लास्ट इसका है -11/13 है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, 11 बाहर 13 बाहर और 11 अंदर होगा, माइनस फाइनल आंसर में आपको लिख देना है, ठीक है। ये पहले जीरो हो जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है, यहाँ पर ये 11 आ गया, ये डेसिमल 110, 13 वन जा कर लो 13 होता है, 32 जा कर लो 26 होता है, 33 जा कर लो 39 होता है, 34 जा कर लो 34 जा 12 हो गया, और ये 1 आ गया 34 वन जा 4 52 हो गया, 35 जा कर लो 53 जा 15 हो गया, और प्लस 1 5 वन जा 5 और 65 हो गया, 36 जा कर लो 63 जा 18 हो जाएगा, ये 78 होगा, 37 जा कर लो 73 जा 21 होगा, बराबर 7 वन जा 7 ये कितना जाएगा 91 हो जाएगा, फेयर इनफ। 13 8 जा कर लो 8 3 जा 24 होगा, 4 डाउन यहाँ 2 कैरी होगा, और 8 वन जा 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा, 104 हो जाएगा। 9 जा भी अब देख ही लो इतना कर लिए तो 9 3 जा 27 होगा, 7 डाउन 2 कैरी, 9 वन जा 9 हो गया प्लस 2 कितना होगा 117 होगा, 10 जा तो मालूम ही है, तो 110 के नज़दीक का नंबर ये नहीं हो सकता तो ये होगा, तो 8 सा ले लिया कितना होगा 104, डायरेक्टली बताओ 110 में से 104 जाएगा तो 6 बचेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 60 आपको कहाँ मिलेगा, 65 बड़ा है तो 4 सा ले लो, क्या है 52 है, 52 माइनस कर दे तो कितना बच गया 8 बच गया, और फिर ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 80 के करीब वाला नंबर कौन सा ये है, 6 सा ले लो तो कितना हो गया 78 हो गया, 2 बच गया 0 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 20 के नज़दीक का नंबर खुद 13 है तो 1 जा ले लो 13 ले लिए कितना बच गया 7 और ये 0 आ जाएगा, 70 के नज़दीक का नंबर यहाँ पर 65 है तो 5 से ले लिए तो कितना हो गया 65 हो गया, 5 बच गया 0 हो गया, 50 के नज़दीक का नंबर 52 बड़ा होगा तो 3 जा लेना पड़ेगा कितना होगा 39 होगा, 39 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, ये देखो ये 4 हो गया, ये 1 और ये 1 तो 11 आ गया यहाँ पर, अभी 11 और इसमें 0 लगेगा तो 110 होगा, और ये यहाँ पर आकर क्या होगा
रिपीट हो रहा है तो बस यहाँ पर डिवीजन को रोक देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस लिख दो पहले तो 0.846153 और क्या जाएगा 12 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लेक्चर्स पहुँचे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों को इन्फॉर्म करें कि सारे लेक्चर रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।